हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आशुतोष शुक्ला फ्रॉम प्रगति नोट्स। और आज हम आपके लिए ला रहे हैं अपडेट, रिजल्ट के बारे में अपडेट, यूपी ट्रिपल एससी जो रिजल्ट है उसके बारे में। मैं समय समय पे वीडियो बनाता रहता हूँ कि जिससे आपकी जो है आँखें खुलें। और मैं पिछले दो तीन वीडियो में, चार वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी का अपडेट दिया हूँ और उसे लोग कह रहे थे कि आपका अपना निजी राय है। तो ऐसा है कि जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो कृपया करके देख लें, ठीक है। तो उनमें मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सच्चाई की तरफ बढ़ रही हैं। और मैं अभी भी कायम हूँ कि आप लोगों को जो नौकरी है वो मार्च के बाद ही मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी। देखिए, जो रिजल्ट देना है वो देना ही नहीं है, इनको मार्च तक रिजल्ट नहीं देना है। तो रिजल्ट जो भी आपको लग रहा होगा कि ये आ गया नोटिस, फलाना आ गया, आप सारे यूट्यूबर स्टार्ट हो जाते हैं, फलाना आयोग में कार्रवाई, आयोग में फलाना चीज़ चलने लगा, आयोग में ढकाना चीज़ चलने लगा, कुछ नहीं चल रहा है भाई साहब, ठीक है। 28 तारीख को जो सचिव होते हैं वो सैलरी भेजते हैं वित्त विभाग में, ठीक है, और वो अप्रूव्ड होना होता है। तो इसलिए 28 तारीख को दुनिया के किसी कोने में रहेंगे अध्यक्ष साहब तो वो पहुंच जाएंगे, आयोग तुरंत पहुंचेंगे, क्योंकि सारे लोगों की सैलरी रुक जाएगी। स्टाफ में जो भी 40 लोग हैं उनकी सैलरी रुक जाएगी। और अपने लिए तो आयोग, मैं कह तो रहा हूँ कि अगर भगवान न करे कोरोना हो जाए, अध्यक्ष को कोरोना भी हो जाएगा तो आके 28 तारीख को अपना काम करेगा, क्योंकि उनको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उनके नीचे जो लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो वो अपने लिए पहुंचते हैं, और चूंकि वो अब बिना काम किए अगर सैलरी लेंगे तो उसका जो मैसेज है वो गड़बड़ जाता है। तो दो रिजल्ट ऐसे दिए जाते हैं जिनका इंटरव्यू कराना हो भविष्य में, जिनको मतलब फाइनल नौकरी देनी ही नहीं हो। बताइए, 24 वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, अगर हर साल हर महीने में अगर 2 वैकेंसी क्लियर करेंगे तब जाके साल भर में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, फिर जो रेगुलर होगा। लेकिन ये कर कहाँ रहे हैं, ये तो एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं की है हमारे समझ से। बस जितनी भी जो टाइम टेबल इन्होंने दिया था उसमें सिर्फ एक वैकेंसी जो है जो फाइनल हुई है वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, उसके बाद कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये लोग वैकेंसी नहीं क्लियर करेंगे, 28 तारीख के आसपास फिर एक रिजल्ट आएगा और उस दिन इनकी हो जाएगी सैलरी पास, और ये जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और हाथों हाथ वो वित्त सचिव से अपना सैलरी पास करवा लेंगे। आपको ये लगेगा कि ये जा रहे हैं मुख्यमंत्री से बातचीत करने, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मुख्यमंत्री से ये बात करने नहीं जानते हैं, और मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, क्योंकि ये जब वित्त एक सवाल मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, इस सवाल का उत्तर भी बहुत आप लोग को इंटरेस्टिंग होगा कि किसी भी राज्य की सरकार, जो संविधान के हिसाब से जवाब देना है कि किसी राज्य की सरकार को अगर कोई भी पद की नियुक्ति निकालनी है तो वो सबसे पहले जो इसकी स्वीकृति कहाँ से लेता है, तो आपको लग रहा होगा DOPT, लेकिन सही जवाब है इसका वित्त विभाग। और वित्त विभाग के सचिव थे साहब ये जो अभी जो प्रवीण कुमार जी हैं, माननीय इनको बोलिए, ये सचिव थे पिछले साल। और पिछली बार इन्होंने कहा था कि चूंकि वित्तीय घाटा इनका बहुत बढ़ गया है, 4.5 लाख करोड़ का बजट बनाएंगे तो वित्तीय घाटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 4.5 लाख करोड़ का बजट बनवा दिए और वित्तीय घाटा बढ़ गया तो वैकेंसी मत भरिए, आपकी सैलरी वाले पैसे से हम रोड बनवाएंगे, बेरोजगारी चरम पे कर देंगे, रोड बढ़ा के टोल प्लाजा लगा देंगे, सेस आप ऊपर से दीजिए। हाँ, तो ये चल रही है, अनबैलेंस इकोनॉमी पे पूरा ध्यान दिए हुए हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा, उस वो वाला फंडा है, ठीक है। तो सोशल एस्पेक्ट तो ख़त्म हो चुकी है, मैं बड़े बड़े लेक्चर देता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और आप भी सुन के कहते हैं कि ये क्या बक रहे हैं, लेकिन चूँकि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है। ऐसा तो मैं हूँ नहीं कि मैं किसी इलिटरेट लोगों से जो है कन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि मैं उन्हें ना बताऊँ, तो क्योंकि आप इस चीज़ को देखिए और समझिए। और ये जो अगला वित्तीय, इस बार वाला जो वित्तीय सचिव है उसने भी वही सेम चीज़ कर दिया, क्योंकि और एक वर्ड लगा दिया कोविड के कारण कि नए पद सृजन नहीं होंगे। भैया, पद सृजन नए पद सृजन का मतलब ये नहीं होता है कि नया पद कोई बनेगा। क्या बनाओगे भाई, चपरासी पार्ट 1 बनाओगे? पद सृजन करना है अगर कोई, जैसे कि मान लो कैग लाओ या लोकपाल लाओ, तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत से पास करवाना पड़ता है। सृजन का अर्थ समझिए, सृजन का अर्थ होता है कि अध्याचन नहीं भेजा जाएगा, जो आप लोग मिसलीड किया जा रहा है कि सृजन मतलब कि नए पद नहीं आएंगे। नया पद देखिए, लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, नया पद कभी भी जब बनाया जाता है, कोई विभाग नया बनाया जाता है या कोई नई वैकेंसी निकालनी होती है, कुछ इस तरह होता है, तो उसके लिए बेकायदा पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, न कि वित्त विभाग से। और वित्त विभाग जो पहले पद पड़े हुए हैं संविधान के अनुरूप, जिनको बनाए हुए हैं मिनिस्टर लोगों ने, उन पदों को सृजन करने के लिए, यहाँ पे सृजन मतलब उत्पत्ति से नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझिए, नौकरी ये नहीं देंगे। 28 जुलाई एकदम गोल्डन चीज़ है, 28 जुलाई के आसपास कोई एक दो रिजल्ट निकाल के एकदम आपको मजा दे देंगे और अपना सैलरी खटाक से टांग और मजे से आ हा पैसा की माँ की।